एपिसोड ऑफ रियलिटीज शनिवार 5 दिसंबर 2020, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज सैटरडे 5 दिसंबर 2020। आज जो पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे के द्वारा दिया गया विषय है वह है इम्पैक्ट योर वर्ल्ड, अपने जगत को प्रभावित करना। इम्पैक्ट योर वर्ल्ड, अपने जगत को प्रभावित करना। कोलोशियंस 4:17 एंड से टू अर्किपोस, टेक हीड टू द मिनिस्ट्री विच दाउ हैस्ट रिसीव्ड इन द लॉर्ड दैट दाउ फुलफिल इट, एंड से टू अर्किपोस, टेक हीड टू द मिनिस्ट्री विच दाउ हैस्ट रिसीव्ड इन द लॉर्ड दैट दाउ फुलफिल इट। यही वचन हिंदी में हम पढ़ेंगे। और अर्किपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना, और अर्किपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। यू वेर बॉर्न ऑफ गॉड्स ग्लोरी, आप परमेश्वर के महिमा के लिए जन्मे हो। यू वेर क्रिएटेड टू लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दैट प्लीजेस गॉड एंड यू कांट लिव सच अ लाइफ विदाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट। आपको सृष्टि किया गया है कि आप असाधारण जीवन जिए जो परमेश्वर को भाता है, और आप ऐसा प्रभावकारी जीवन जिए बिना नहीं रह सकते हैं जब आपके अंदर इस प्रकार का सृष्टि किया गया है। सो गो अहेड एंड मेक अ डिफरेंस इन योर वर्ल्ड थ्रू द गॉस्पल। तो जब आपकी सृष्टि ही इसके लिए की गई है कि आप परमेश्वर की महिमा करें, और आपको इस प्रकार से सृष्टि किया गया है कि आप असाधारण जीवन जिए जो परमेश्वर को भाता हुआ जीवन है, और फिर आप इस प्रकार का जीवन बिना प्रभाव किए जी ही नहीं सकते हैं, तो अब आपको आगे बढ़ना है और आपको आपके जगत में सुसमाचार के द्वारा फर्क लाना है। इट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इम्पैक्टफुल मैसेज इन ऑल द वर्ल्ड, सेविंग एंड चेंजिंग लाइव्स एवरीवेयर। हालेलुया। ये बहुत ही ऐसे ध्यान खींचने वाला और प्रभावकारी संदेश है संपूर्ण जगत में, जो बचाता भी है और परिवर्तित बदलता भी है जीवनों को, और सभी जगहों में वो काम करता है। हालेलुया। रोमन्स 8:19 सेज, फॉर द अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्रिएचर वेटेथ फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। रोमियो के 8:19 ये बताता है, रोमियो का 8:19 इस प्रकार से है, रोमियो के 8:19, रोमियो के पत्री 8:19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। Then in Matthew 5:16, Jesus said, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." और फिर मत्ती के 5:16 ये बताता है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मत्ती का 5:16,
उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। योर ट्रू पर्पस इन द अर्थ इज टू मैनिफेस्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड एस्टैब्लिश हिज किंगडम इन योर होम स्ट्रीट प्लेस ऑफ वर्क स्कूल एंड इन योर स्फीयर ऑफ कॉन्टैक्ट। आपका मकसद इस पृथ्वी पर जो है वो परमेश्वर के महिमा को प्रकट करना है और उसका राज्य आपके घरों में, गलियों में, आपके काम की जगहों में, आपके पाठशालाओं में और आप जहाँ जहाँ आप लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हैं, जहाँ पर आप लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, उन सभी जगहों में परमेश्वर का राज्य स्थापित करना, यही आपका मकसद है इस पृथ्वी के ऊपर। इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाट योर एज इज, यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर वर्ल्ड। तो आपका उम्र क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी उसके बावजूद आप जगत के अंदर फर्क ला सकते हैं। यू हैव व्हाट इट टेक्स, द होली स्पिरिट। आपके पास जो होना चाहिए वह केवल यह है कि आपके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। As you fellowship with him and function in the church, you will discover what he wants you to do, your specific purpose in him and how exactly he wants you to live. He is raising people he can trust. He is building them on the world. Be one of them. जब आप किसी सहभागिता में, आप परमेश्वर के सहभागिता में हो लोगे और आप कलसियाओं के कामों में हो लोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता है। आपका मुख्य जो खास मकसद है उसके लिए और किस प्रकार से सही ढंग से वो आपके लिए, आपको उसके लिए जीना चाहिए। देखिए, वो लोगों को बढ़ा रहा है उसके विश्वास में और वचन में, वो लोगों को वह इस प्रकार से खास तरीके से आपको क्या करना है उस जगह पर आपको समझ में आ जाएगा जब आप उस संगति में है जिसमें परमेश्वर की संगति की जाती है। और ऐसे कलसिया में फिर आप कामों को देखकर आप अपनी जगह को पहचानना शुरू करते हैं कि क्या करना चाहिए आपने, वो क्या चाहता है आपके द्वारा। वो लोगों के विश्वास को तैयार कर रहा है, वो लोगों को वचन के द्वारा बना रहा है और वो उठा रहा है लोगों को। वह चाहता है कि आप किस प्रकार से एकदम सही तरह से उसके लिए जिए। बी वन ऑफ देम, तो आप भी उनके संगति में एक हो जाइए। ही मे नॉट स्टार्ट यू आउट विथ समथिंग बिग बट रिमेन फेथफुल विथ वॉट एवर ही कमिट्स टू योर हैंड्स। हो सकता है कि आपके द्वारा वो तुरंत एक बड़ी ऐसी कोई चीज नहीं करना शुरू करेगा, परंतु आप उसके साथ विश्वास योग्य रहिए। जो भी आपके हाथों में वो सौंपता है उसको करने में आप विश्वास योग्य रहिए। When you are faithful in little, he will account you to be faithful in much. जब आप थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तो वो आपके हाथों में बड़ी बातों को भी विश्वास करके दे देगा आपको काम करने के लिए। Remember, you are his ambassador in this world and with the God ordained purpose to illuminate your world and impact others with the Christ life. याद रखिए कि आप उसके राजदूत हो इस दुनिया के अंदर, इस जगत के अंदर। आपको उसके योजनाएं दी गई है, परमेश्वर की योजनाएं आपको नियोजित करके दी गई है कि आपने जगत के अंदर उजियाला लाना है और दूसरों के जीवन को प्रभावित करना है मसीही जीवन से। दैट्स योर कॉलिंग, दैट्स योर पर्पस, दैट्स योर लाइफ। वही आपकी बुलाहट है, वही आपका मकसद है और वही आपका जीवन है।
क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, ये मसीह आपके अंदर आशा की महिमा है, महिमा की आशा है, मसीह आपके अंदर महिमा की आशा है। हम प्रार्थना करेंगे। जब मैं इंग्लिश में इसे बोलूं तो आपने भी इंग्लिश में बोलना है, जब मैं हिंदी में इसे बोलूं तो आपने भी इसे हिंदी में बोलना है, लेकिन हमें इसे मुंह से कबूल करते हुए बोलना है। डियर फादर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी into a life of impact and for giving me the greatest asset of all, the Holy Spirit, to help me walk in your will and purpose for my life. You created me in Christ Jesus unto good works which you ordained from the foundation of the world that I should walk in them. And now, by your Spirit, my whole life is in pursuit of your purpose and enthronement of your kingdom in the hearts of men. In Jesus' name, Amen. हम हिंदी में अंगीकार करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद हो मेरे जीवन में आपकी बुलाहट के लिए, जो मुझे प्रभावित किया है और मैं बड़े से बड़े संपत्ति में जो पाया हूँ वह है पवित्र आत्मा। तूने मुझे पवित्र आत्मा देकर मेरे चाल चलन में मुझे सहायता की है कि मैं तेरी इच्छा और तेरे मकसद से मेरा जीवन जीऊं। तूने मुझे सृष्टि किया है मसीह यीशु के भले कामों के लिए, जिसके द्वारा तूने नियोजित कर रखा है जगत के नींव को, और वहीं से तूने मेरे लिए भी नियोजन कर रखा कि मैं तेरे ही मार्ग मकसद में चलूं। और अब पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन का हर एक मकसद, इरादे, सब कुछ जो मेरे हृदय के अंदर सिंहासन है मनुष्यों का, उस जगह में केवल और केवल तेरा ही राज्य रहे और तेरे ही गुणों से, इरादों से वो सिंहासन मेरे हृदय में बना रहे कि मैं दूसरों के जीवनों में भी यही काम पूरा कर सकूं। यीशु के नाम में आमेन। आज जो हमको मनन करने के लिए वचन दिया गया है, आज हमको मनन करने के लिए जो वचन दिया गया है वो है एफिशियंस 2 चैप्टर 10th वर्स,
और इसे हमने इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर एक्ट्स 26 चैप्टर 16 वर्स, यह वचन भी हम एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में पढ़ना है। जब हिंदी में पढ़ने की बात आएगी तो हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, इफिसियों के पत्री 2:10 और प्रेरितों के काम 26:16। लेकिन जब मैं इंग्लिश में एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में पढ़ूंगी तो मैं अपनी तरफ से उसमें लिखी हुई बातों को हिंदी में भी खुलकर बताना चाहूंगी, तो वो बाइबल के लिखे हुए शब्दों को मैं हिंदी में आपके लिए बताऊंगी किस प्रकार से वो विस्तारित करके दिया गया वचन है। और साधारण रीति से जो बाइबल में पढ़ा जाता है वह हम हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे। हम इफिसियों 2:10 इंग्लिश में एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ेंगे। यहाँ पर एफिशियंस 10th वर्स, एफिशियंस 2nd chapter 10th वर्स, एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन। फॉर वी आर गॉड्स ओन हैंडीवर्क, हिज वर्कमैनशिप, रिक्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस, बॉर्न अन्यू, दैट वी मे डू दोज गुड वर्क्स विच गॉड प्रीडेस्टाइंड planned beforehand for us, taking paths which he prepared ahead of time that he should walk in them, living the good life which he prearranged and made ready for us to live. यहाँ पर यह वचन इस प्रकार से है, बहुत बड़ा विस्तार करके इसे समझाया जाता है इस वर्शन में कि हम परमेश्वर के हाथ की कृति है, हम उसके काम के लिए बनाए गए हैं, हमको दोबारा से तैयार किया गया है मसीह यीशु में, हम नए जन्मे हैं कि हम उसके काम को कर सके, उसने नियोजित किया हुआ और वो भी बहुत पूर्व तैयारी के साथ नियोजित किया हुआ कि हम उसके मार्ग को ढूंढते ना बैठें परंतु हम वो प्राप्त करें। पहले ही उसे मार्ग बना के रखा और हमको सिर्फ उसे प्राप्त करने के लिए रख दिया, उसने बहुत पहले बना के रखे हुए मार्ग है ये कि हम उसके ऊपर चले और अच्छा जीवन जी सके, और उसकी रचनाएं भी बहुत पहले करके रखी है और वो तैयारी के साथ हमारा जीवन शुरू होने से पहले तैयारी के साथ बना कर रख दिया, और जब हम इस पृथ्वी पर आए तो वह तैयार रहा कि हम उसके ऊपर चलना शुरू करें। ये इतना विस्तारित करके वचन लिखा जाता है एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में। अब यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 2:10। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, एक मिनट, कोलोसियों की नहीं, इफिसियों की पत्री 2:10। इफिसियों की पत्री 2:10। देखिए यहाँ पर हिंदी में BSI बाइबल में कैसा लिखा है और हमने एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में सुना कैसा लिखा है, तो ये फ़र्क होता है। इंग्लिश में जब एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन दिया जाता है तो वो विस्तार करके बताया जाता है, और हिंदी और साधारण इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल शब्द के साथ शब्द इतना ही रहता है, विस्तारित नहीं रहता है। तो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर 10 2:10 इफिसियों की पत्री, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया।
प्रेरितों के काम 26 अध्याय 16 वचन इंग्लिश में हम पढ़ेंगे एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से। एक्ट्स 26 16th वर्स हम पढ़ेंगे। प्रेरित एक्ट्स 26 चैप्टर 16th वर्स। बट अराइज एंड स्टैंड अपॉन योर फीट, फॉर आई हैव अपीयर्ड टू यू फॉर दिस पर्पज दैट आई माइट अपॉइंट यू टू सर्व एज माई मिनिस्टर एंड टू बियर विटनेस बोथ टू वॉट यू हैव सीन ऑफ मी एंड टू दैट इन विच आई विल अपीयर टू यू। बट अराइज एंड स्टैंड अपॉन योर फीट, फॉर आई हैव अपीयर्ड टू यू फॉर दिस पर्पज that I might appoint you to serve as my minister and to bear witness both to what you have seen of me and to that in which I will appear to you। हम इसी को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में। परंतु तू उठ अपने पावों में खड़ा हो क्योंकि परंतु तू उठ अपने पावों पर खड़ा हो क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। परंतु तू उठ अपने पावों पर खड़ा हो क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में दूसरा यूहन्ना और दानियल 5 अध्याय और 6 अध्याय, एक साल 1 ईयर के बाइबल रीडिंग प्लान में सेकेंड जॉन और दानियल 5 चैप्टर और 6 चैप्टर हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन पे से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। सेकेंड जॉन 1st वर्स से पढ़ेंगे। एंड एग्जॉल्टेशन टू परसीवरेंस, एन एग्जॉल्टेशन टू परसीवरेंस, एन एग्जॉल्टेशन टू द परसीवरेंस, टू परसीवरेंस द एल्डर इन अनटू द इलेक्ट लेडी एंड हर चिल्ड्रेन होम आई लव इन द ट्रूथ एंड नॉट आई ओनली बट ऑल्सो ऑल दे दैट हैव नोन द ट्रूथ फॉर द ट्रूथ सेक विच डवेलथ इन अस एंड शाल बी विद अस फॉर एवर ग्रेस बी विद यू मर्सी एंड पीस फ्रॉम गॉड द फादर एंड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ द फादर इन ट्रूथ एंड लव आई रिजॉइस्ड ग्रेटली दैट आई फाउंड ऑल ऑफ दाई चिल्ड्रेन वॉकिंग इन ट्रूथ एज वी हैव रिसीव्ड अ कमांडमेंट फ्रॉम द फादर एंड नाउ आई बेसीज दी लेडी नॉट एज दो आई रोट अ न्यू कमांडमेंट अन टू दी बट दैट विच वी हैड फ्रॉम द बिगिनिंग दैट वी लव वन अनादर एंड दिस इज लव दैट वी वॉक आफ्टर हिज कमांडमेंट्स दिस इज द कमांडमेंट दैट एज ये हैव हर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ये शुड वॉक इन इट फॉर मैनी डिसीवर्स आर entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Look to yourselves that we lose not those things which we have roughed, but that we receive a full reward. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds.
Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I trust to come unto you and speak face to face, that our joy may be full. The children of thy elect sister greet thee. Amen. यूहन्ना के दूसरी पत्री अभिवादन, पहले वचन से। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। सत्य और प्रेम, चौथा वचन आगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवाना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आया और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मुझे अंतिम अभिवादन। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। डैनियल 5 चैप्टर, किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। डैनियल 5 चैप्टर, बेल्तशाजार्स एम्पायर्स फीस्ट। बेल्शाजार द किंग मेड अ ग्रेट फीस्ट टू अ थाउजेंड ऑफ हिज लॉर्ड्स एंड ड्रैंक वाइन बिफोर द थाउजेंड। बेल्शाजार व्हाइल्स्ट ही टेस्टेड द वाइन कमांडेड टू ब्रिंग द गोल्डन एंड सिल्वर वेसल्स व्हिच हिज फादर Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives and his concubines might drink therein. Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem, and the king and his princes, his wives and his concubines drank in them. They drank wine and praised the gods of gold and of silver, of brass, of iron, of wood and of stone. In the same hour came forth fingers of a man's hand and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace, and the king saw the part of the hand that wrote. Then the king's countenance was changed and his thoughts troubled him.
so that the joints of his loins were loosed and his knees smote one against another, the king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans and the soothsayers. And the king spake and said to the wise men of Babylon, whosoever shall read this writing and show me the interpretation thereof shall be clothed with scarlet and have a chain of gold about his neck and shall be the third ruler in the kingdom. Then came in all the king's wise men, but they could not read the writing nor make known to the king the interpretation thereof. Then was King Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were astonished. Now the queen, by reason of the words of the king and his lords, came into the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever. Let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. There is a man in thy kingdom in whom is the spirit of the holy gods, and in the days of thy father light and understanding and wisdom like the wisdom of the gods was found in him, whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say, thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans and soothsayers, for as much as an excellent spirit and knowledge and understanding interpreting of dreams and shewing of hard sentences and dissolving of doubts were found in the same Daniel when the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. Then was Daniel brought in before the king, and the king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel which art of the children of the captivity of Judah, which the king my father brought out of a Jewry? I have even heard of thee that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. And now the wise men, the astrologers, have been brought in before me, that they should read this writing and make known unto me the interpretation thereof. But they could not show the interpretation of the thing. And I have heard of thee that thou canst make interpretations and dissolve doubts. Now if thou canst read the writing and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet and have a chain of gold about thy neck and shalt be the third ruler in the kingdom. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be to thyself and give thy rewards to another. Yet I will read the writing unto the king and make known him the interpretation. O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom and majesty and glory and honor. And for the majesty that he gave him, all people, nations and languages trembled and feared before him. Whom he would he slew, and whom he would he kept alive, and whom he would he set up, and whom he would he put down. But when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. And he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that he appointed over it whomsoever he will. And thou, his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, though thou knewest all this.
but hast lifted up thyself against the Lord of heaven, and they have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords, thy wives and thy concubines have drunk wine in them, and thou hast praised the gods of silver and gold, of brass, iron, wood and stone, which see not, nor hear, nor know, and the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways, hast thou not glorified. Then was the part of the hands sent from him, and this writing was written. And this is the writing that was written, Mene Mene Tekel Upahar Sin. Upahar Sin. This is the interpretation of the thing, Mene, God hath numbered thy kingdom and finished it. Tekel, thou art weighed in the balances and art found wanting. Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet, and put a chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him, that he should be the third ruler in the kingdom. In that night was Belshazzar, the king of Chaldeans, slain, and Darius the Median took the kingdom, being about 62 years old. Chapter 6. Daniel is cast into the den of lions. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over this 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Then the presidents and princes sought to find a occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Then these presidents and princes assembled together to the king, and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains, have consulted together to establish a royal state, and to make a firm decree, that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Then this men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regardeth not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. Then the king, when he heard these words, was
sure displeased with himself and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored till the going down of the sun to deliver him. Then this man assembled unto the king and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute with which the king establisheth may be changed. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed with his own signet and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Then the king went to his palace and passed the night fasting, neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel, and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Then was the king exceedingly glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Them, their children, and their wives, and the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces or ever they came at the bottom of the den. Then King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, Peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Daniel ki pustak 5 adhyay deewar par likha gaya lekh pehle vachan se padhenge. Belshazzar namak raja ne apne 1000 pradhanon ke liye bada bhoj kiya और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया. दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए. तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा. वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ के सी कई उंगलियां निकल कर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी.
और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठ माला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दनियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। लेख का अर्थ बताया जाना 13 वचन से आगे। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तो उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठ माला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तो देना चाहता है वह दूसरों को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था, जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था। जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है, तो भी हे बेलतशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और
रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और उपरसिन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर, परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। 6वां अध्याय, दानियल सिंहों की मांद में। पहले वचन से पढ़ेंगे। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार करे रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब वह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगा युग 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 जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों अधिपतियों न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाल कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा।
राजा ने उत्तर दिया, हाँ मादियों और फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है यह बात और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र को की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा यह जान रख कि मादियों और फरसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के मांद में डाल दिए जाए और वे गड्ढे के पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों के से बचाया है वह बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 2 ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान रेवलेशन 7 chapter 11-17 आमोस 3rd chapter और 4th chapter प्रकाशित वाक्य 7:11-17 आमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक 3rd अध्याय और 4th अध्याय। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से। रेवलेशन 7:11-17 एंड ऑल द एंजल्स स्टूड राउंड अबाउट द थ्रोन एंड अबाउट द एल्डर्स एंड द 4 beasts एंड फेल बिफोर द थ्रोन ऑन देयर फेसेस एंड वर्शिप्ड गॉड सेइंग आमेन।
blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more. Neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. प्रकाशित वाक्य सात अध्याय ग्यारह वचन से पढ़ेंगे आगे। और सारे स्वर्ग दूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर के स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अमोस थर्ड चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। द नेसेसिटी ऑफ गॉड्स जजमेंट अगेंस्ट इज़राइल, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Hear this word that the Lord hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, You only have I known of all the families of the earth, therefore I will punish you for all your iniquities. Can two walk together except they be agreed? Will a lion roar in the forest when he hath no prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? Can a bird fall in a snare upon the earth where no grain is for him? Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city? And the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. The lion hath roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? Publish in the palaces of Ashdod and in the palaces in the land of Egypt, and say, Assemble yourselves upon the mountains of Samaria, and behold the great tumults in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof, for they know not to do right, saith the Lord, who store up violence and robbery in their palaces. Therefore thus saith the Lord,
Therefore, thus said the Lord God, an adversary there shall be even round about the land, and he shall bring down thy strength from thee, and thy palaces shall be spoiled. Thus said the Lord, as the shepherd taketh out of the mouth of the lion two legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria in the corner of a bed, and in Damascus in a couch. Hear ye and testify in the house of Jacob, said the Lord God, the God of hosts, that in the day that I shall visit the transgressions of Israel, upon him I will also visit the altars of Bethel, and the horns of the altar shall be cut off and fall to the ground. And I will smite the winter house with the summer house, and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, saith the Lord. Great houses shall have an end, saith the Lord. Chapter 4. Israel reproved for oppression, for idolatry, and for their incorrigibleness. First verse se padhenge. Hear this world, ek Kine of Bashan, that are in the mountain of Samaria, which oppress the poor, which crush the needy, which say to their masters, being and let us drink, bring and let us drink. The Lord God hath sworn by his holiness that, lo, the days shall come upon you that he will take you away with hooks, and your posterity with fish hooks. And ye shall go out at the breaches, every cow at that which is before her. And ye shall cast them into the palace, saith the Lord. Come to Bethel and transgress at Gilgal, multiply transgression, and bring your sacrifices every morning, and your tithes after 3 years. And offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim and publish the free offerings, for this liketh you, O ye children of Israel, saith the Lord God. And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places, yet have ye not returned unto me, saith the Lord. And also I have withholden the rain from you, when there were yet 3 months to the harvest. And I caused it to rain upon one city, and caused it not to rain upon another city. One piece was rained upon, and the piece whereupon it rained not withered. So two or three cities wandered unto one city to drink water, but they were not satisfied yet. Have ye not returned unto me, saith the Lord? I have smitten you with blasting and mildew, when your gardens and your vineyards and your fig trees and your olive trees increased the palmer worm, devoured them, ye have ye not returned unto me, saith the Lord. I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt. Your young men have I slain with the sword, and have taken away your horses, and I have made the stink of your camps to come up unto your nostrils. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning, yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. For lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto men what is his thought, that maketh the morning darkness, and createth upon the high places of the earth, the Lord, the God of hosts, is his name. Amos ki Bhavishyadvani, tisra adhyay, pehle vachan se padhenge. Hey Israelio,
यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। भविष्यद्वक्ता का कार्य। तीसरा वचन से आगे, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गरजा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यद्वाणी न करेगा? सामरिया का विनाश। नौ वचन से आगे, अश्दोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सीधाई से काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यो कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इसराइली लोग जो सामरियों में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं वे भी छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है। देखो और याकूब के घराने से यह बात चिता कर कहो, जिस समय मैं इसराइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा उसी समय मैं बेतल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सिंह टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। मैं जाड़े के भवन को और धूप काल के भवन दोनों को गिराऊंगा और हांति दांत के बने भवन भी नष्ट होंगे और बड़े बड़े घर नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। चौथा अध्याय पहले वचन से, हे बाशान की गायों यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएगी। तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। इसराइल सुधरने में असफल, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो, धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों को चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इसराइलियों ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। छह वचन से आगे, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की, मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया, इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लहू और गेरुए से मारा है और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो
तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध ही तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इसराइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझसे तुझ में यह काम करने पर हूँ, हे इसराइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पर्वत का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।